जो आज तक कोई नहीं कर सका उसे प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण मोदी राज में ही संभव है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही ये संभव हुआ कि आज गंगा जमुनी तहजीब के तहत क्या हिंदू और क्या मुसलमान सभी मिलकर मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे मुस्लिम समाज भी मंदिर निर्माण में प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग कर रहा है। 25 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी ने सस्ते में दे दी। राम मंदिर निर्माण की राह में रोड़ा अटकाने वाला विपक्ष इस बात का ढोल पीट रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदा। जबकि इस मामले की सच्चाई ये है कि सुल्तान अंसारी नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने प्रभु राम के नाम पर 7 करोड़ के घाटे में ट्रस्ट को मंदिर के लिए जमीन दे दी। सुल्तान अंसारी ने साफ कहा कि उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब के तहत जमीन का सस्ते में डील किया। आप खुद सुनिए। नहीं, बिल्कुल करेक्ट रेट तो किसी जमीन का हो नहीं देता, लगभग 24.5 करोड़ पे। एक अंदाज जो एक मार्केट रेट जो चल रहा है, जैसे सर्किल रेट के हिसाब से अगर उसका ये क्या बोलते हैं, अगर उसका 4 गुना किया जाए, जो मतलब जो वैल्यू इसकी किया जाए, तो लगभग 24.5 करोड़ रुपये उसकी बनती है। चूँकि हम लोग राम मंदिर के बगल में रहते हैं, काफ़ी पुराने समय से, काफ़ी समय से यहाँ रहते हैं, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है, यहाँ हम लोग भी आस्था रखते हैं उससे, चूँकि मंदिर का मामला था, और हम भी मुस्लिम परिवार से हैं, काफ़ी समय से ही हर धार्मिक कार्यक्रम में सहयोग करते चले आ रहे हैं। अभी जब हमारा जो है राम मंदिर से मतलब ट्रस्ट से ये सौदा नहीं हुआ, तो उससे पहले भी हमने राम मंदिर में 51,000 दिया था। तो कहने का मतलब ये है, जब ये धर्म के नाम की बात आई, तो एक गंगा जमुना तहजीब के तहत हमने जो है उसको डील कर लिया। शिया बोर्ड ने की थी जमीन देने की वकालत। ये पीएम मोदी का ही करिश्मा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिया वक्फ बोर्ड ने राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन देने की वकालत की थी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हुए 1/3 हिस्सा मुस्लिमों को भी दिया था, जिसे शिया वक्फ बोर्ड मंदिर निर्माण के लिए देने के लिए तैयार हो गया। इकबाल अंसारी ने मंदिर के लिए चंदा देने की अपील की। ये प्रधानमंत्री मोदी का ही जलवा है कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने राम मंदिर के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का न सिर्फ स्वागत किया, बल्कि मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने की बात को भी स्वीकार किया। साथ ही मुस्लिम भाइयों से भी मंदिर निर्माण में अपना योगदान देने की अपील की। मंदिर के लिए मुस्लिम समाज का समर्थन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के कारण ही संभव हो सका। और दान देना भी चाहिए, क्योंकि चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, धर्म के हिसाब से लोग अपना अपना जो है योगदान करें। हम भी करेंगे, हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्म में भी कहीं कोई मनाही नहीं है दान देने में। हबीबुद्दीन तुसी ने मंदिर के नींव के लिए दी सोने की ईंट। अयोध्या में राम मंदिर की इच्छा जाहिर कर चुके आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के वंशज हबीबुद्दीन तुसी ने राम मंदिर की नींव के लिए 1 किलो के सोने की ईंट देकर सभी राम मंदिर के विरोधियों को करारा जवाब दिया। कोई मुस्लिम शख्स मंदिर के लिए सोने की ईंट दे, ये सिर्फ मोदी राज में ही संभव हो सकता है। जहाँ तक हमारा जो वादा था सोने की ईंट का, जो 1 kg की जो ब्रिक है, वो ब्रिक तैयार है। हमने हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को भी हमने वक्त मांगा है। जिस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इसको हमारे पास जवाब आएगा, टाइम देंगे। अब ये जो सोने की ईंट है, जो हमने जो पहले वादा किया था, वो सोने की ईंट हम श्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के हवाले करेंगे, ताकि वो अपने हाथों से जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस सोने की ईंट को हमारी मुगल खानदान की तरफ से इसको भगवान श्री राम जी की तरफ से लगा दिया जाए। राम मंदिर के लिए मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ कर किया दान। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज भी उत्साहित है। मुस्लिम परिवार भी मंदिर निर्माण के लिए बढ़ चढ़कर दान दे रहा है। जाहिर है, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान ऐसा नहीं हुआ। ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब के तहत हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोग राम मंदिर निर्माण के लिए एक साथ मिलकर सहयोग कर रहे हैं।